और इसी के साथ करीब 27 साल के इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल आखिरकार लोकसभा से पास हो गया। बिल के तहत संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में कुल 2 वोट पड़े। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया। बिल के पास होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच अब क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है। द बर्निंग इशू फॉर एवरीबॉडी हैज फाइनली बीन क्लियर्ड बाय लोकसभा। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उनको विशेष अभिनंदन क्योंकि कल उनका है। तभी माननीय सांसदों का धन्यवाद जिन्होंने उसमें हमारा सहयोग किया। इंडिया ब्लॉक की मजबूती को देखते हुए पूरी राजनीतिक तौर से ही इस बिल को लेकर आई है। लड्डू दिखा दिया है और बोला ये लड्डू आपके लिए है पर आप इसको कभी खा नहीं सकते। अगर आप SC ST को दे रहे हैं वक्त आ गया है कि आप OBC महिलाओं को भी वो आरक्षण दे। बिल पास होने पर विपक्ष ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताया, लेकिन इस बीच OBC आरक्षण की बात लाकर नया राजनीतिक शिगुफा भी छेड़ दिया है।